नमस्कार। पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी लोग पौधरोपण करते हैं, लेकिन पौधरोपण का सही समय क्या होना चाहिए? जैसे अभी जून का महीना आ रहा है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण के दिवस के दिन बहुत सारे लोग बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, लेकिन अपने भारत में जून के इस महीने में भीषण गर्मी पड़ती है। पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो इसलिए नहीं मनाया जाता है कि इस दिन हम लोग पौधरोपण करेंगे, इसका अलग मायना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 5 जून को हम लोग वृक्षारोपण दिवस की तरह मनाने लगते हैं, बहुत सारे पेड़ लगाते हैं। और इस समय चूंकि बहुत ज्यादा तेज गर्मी होती है, तेज धूप होती है, तो उसमें जो पौधे लगते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और अगर हम पौधों को पानी भी ज्यादा दें तो असल में मिट्टी इतनी ज्यादा गर्म होती है कि पौधों की जड़ें मिट्टी के अंदर ही झुलस जाती हैं। इसलिए जो 5 जून का समय है या जून का जो महीना है, ये पौधरोपण के लिए उचित समय नहीं है। लेकिन 5 जून को हम वृक्षारोपण दिवस के बजाय गड्ढा दिवस मना सकते हैं। मतलब पेड़ लगाने से हमें 1-2 महीने पहले ही पेड़ के लिए गड्ढे खोद देने चाहिए, ताकि उसके अंदर की जो गर्मी है वो निकल जाए, और फिर जब बरसात आए, मानसून आए जुलाई में, तब हम लोग उस गड्ढे में पेड़ लगाएं। तो हम लोग 5 जून पर ये काम कर सकते हैं कि हम लोग जहां जहां हमको पेड़ लगाना है वहां वहां पर गड्ढा खोद दें, उसमें से गर्मी को निकल जाने दें। अगर हमारे पास गोबर की सड़ी हुई खाद है या पेड़ के नीचे जो पत्तियां गिर के जो खाद बन चुकी है ह्यूमस के रूप में, उसको हम उस गड्ढे में डाल दें, और फिर जब मानसून आ जाए तब हम लोग उसमें पेड़ लगाएं, और वो पेड़ जो है फिर बड़े आसानी से लगेगा और वो सर्वाइव कर पाएगा। तो ये काम हम लोग 5 जून के दिन कर सकते हैं। बाकी 5 जून के दिन हम लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर बैठे, अपने धरती पर पर्यावरण की जो गंभीर स्थिति है, अलग अलग तरह की समस्याएं जो है, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे प्रजातियों का विलुप्तीकरण हो, जंगलों का विनाश हो, हरियाली का विनाश हो, अत्यधिक चारण की समस्या हो, नदियों तालाबों का जो समस्या हो रही है, उसका पूरा जैव तंत्र खत्म हो रहा है, ये जो तमाम समस्याएं हैं, प्लास्टिक का प्रदूषण है, कीटनाशक और ऐसे तमाम रासायनिक प्रदूषण है, इन तमाम चीजों के ऊपर बात करें, हम लोग चर्चा करें, और फिर हम लोग एक संकल्प लें कि हम लोग अपने जीवन में जरूरी बदलाव करेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए 5R के सिद्धांत हम लोग अपनाएंगे। 5R का सिद्धांत अलग अलग है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीथिंक, रिफ्यूज। इसके बारे में कमेंट में एक आपको वीडियो मिल जाएगा जिसको मैंने बड़े अच्छे से समझाया है कि ये आर हम कैसे अपने जीवन शैली में उतार सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पर्यावरण को बचाने का संकल्प लें, गड्ढा खोद लें, और जुलाई में अच्छी संख्या में जो यहाँ के नेटिव प्रजातियों के, यहाँ के स्थानीय प्रजातियों के जो पेड़ हैं उनको जरूर लगाएं। धन्यवाद।